हेलो एवरीवन, दिस इज अमेश यादव एंड यू आर वाचिंग थ्रॉटल्स ऑन फायर। तो दोस्तों, आज जैसे कि अपने फ्रेंड आकाश ने बताया था पिछली वीडियो में कि R15 जो मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन है उस पर जो भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं उसकी वीडियो भी जल्दी लाएंगे। तो दोस्तों, आज ही हम उसको शूट कर रहे हैं और पूरा दिन हो गया शूट करते हुए, और दिखाता हूँ गाड़ी आपको एक बार। दोस्तों, ये है R15 V3 मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन, जिस पे सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन की है हमने एज़ कम्पेयर टू R15 V3 जो कि आकाश की है। और इसमें जैसे कि एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन के रिव्यू पे, तो आज से बात करेंगे इसके मॉडिफिकेशन पे जो कि क्या क्या की है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे फ्रेम स्लाइडर लगा हुआ है। पहला मॉडिफिकेशन तो यही है कि जो सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया कि वो फ्रेम स्लाइडर है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। जितनी भी एसेसरीज हैं इन सब की लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, सब चेक करके कि कौन सी प्राइस में भी कम है और अच्छी वैल्यू फॉर मनी चीज़ है मतलब। तो इसके बाद हम बात करें तो आता है मोबाइल होल्डर। मोबाइल होल्डर यहाँ लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और इसकी जो भी प्राइसिंग है वो सब मैं बता ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे इसके चार्जिंग पोर्ट है, आप मोबाइल भी अगर बैटरी या कोई भी डिवाइस आपके इलेक्ट्रिक डिवाइस डिस्चार्ज होता है तो आप इसकी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं केबल लगा के। और उसके बाद हम बात करें, इसमें LED इंडिकेटर्स लगे हैं साइड में यहाँ पे, तो ये भी लगा हुआ है, और साथ में LED हेडलैम्प्स तो आते ही है पहले से कंपनी की तरफ से। और जब बात करें मिरर्स की, तो साइड मिरर्स जो कंपनी से आते हैं वो हटा के इन्होंने यहाँ पे LED वाले मिरर्स लगा दिए हैं, जिसमें LED इंडिकेटर्स इनबिल्ट हैं। तो जब एक बार जला के दिखाता हूँ मैं इनको, इनका लुक जो है वो जलने के बाद ही समझ में आएगा। और सबसे अच्छा लुक तो नाइट में ही आता है, जब रोड पे चलती है तो गाड़ी अलग ही दिख जाती है दूर से। तो इसके बाद हमने जो टैंक पैड है, टैंक पैड भी इस गाड़ी में लगा हुआ है। तो टैंक पैड कुछ इस तरह दिखता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का है। अब इन्होंने, मेरे दोस्त है अभिषेक जिसकी ये गाड़ी है, और उन्होंने रिलायबल ग्राफिक्स से लगाया भोपाल में, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद मैं आपको लाइट चालू करके दिखा देता हूँ एक बार। बाकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल में तो उन्होंने कोई चेंज नहीं करा, वैसे का वैसे ही है जो कंपनी की तरफ से आता है। और हजार्ड लाइट में भी 8 मोड्स मिलते हैं अपन को। तो मैं सारे तो आपको जला के दिखा नहीं पाऊंगा, पर एटलीस्ट एक दो तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। जो पहला मोड ही कुछ इस तरीके से ब्लिंक करेगा, डे में इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब नाइट में ये गाड़ी चलेगी तो अलग ही दिखेगी। अब मैं दूसरा मोड ऑन करता हूँ, तो ये देख लिया आपने इसके सारे मोड्स, और इंडिकेटर भी दिखा दिए। तो गाड़ी में जो टायर में स्ट्रैपिंग करी है इन्होंने, आफ्टर मार्केट ही करवाई है, कंपनी से जो आई थी वो वाली नहीं है, ये बाद में करवाई है इन्होंने। तो ये भी बहुत यूनिक लग रही है गाड़ी, जब चलती है तो अलग ही दिखती है रोड पे। तो एक बार वॉक अराउंड दे देता हूँ फिर से गाड़ी का कि कैसी लगती है मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन। हम उस टाइम वॉक अराउंड नहीं दे पाए थे इतने अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से दिखती है गाड़ी। दोस्तों, इसके बाद दो मेन चीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो कि नॉर्मली आपको मॉडिफिकेशन में नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पे हमने फ्रेम स्लाइडर भी देखने को मिल जाएगा हमें, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था वीडियो में, जो फ्रेम स्लाइडर है यहाँ लगा हुआ है, और जो रेडिएटर गार्ड है वो भी इंस्टॉल किया गया है। तो ये जो देख रहे हैं आप R15 की बैचिंग की हुई, जहाँ पे नेम दिख रहा है आपको, तो वो पूरी रेडिएटर ग्रिल है। और उसके बाद में स्किड गार्ड भी लगाया है, तो आप स्किड प्लेट भी कह सकते हैं, जो साइलेंसर के ऊपर अटैच चाहिए। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस गाड़ी पे सेरेमिक कोटिंग की गई है।
सेरेमिक कोटिंग ही 9H की, जो कि काफ़ी अच्छी होती है, और ये करवाई है सेरेमिक प्रो भोपाल से। और इसके साथ में हमारे ब्रदर ने जो हेलमेट यूज़ किया है वो एस एम के ब्रांड का किया है, जो कि डॉट सर्टिफाइड है, तो इसकी जो सेफ्टी लेवल है वो काफ़ी हाई होती है। पूरा वॉक अराउंड तो मैं दे ही चुका हूँ आपको, सारे मॉडिफिकेशंस भी डिस्कस कर ली है मैंने आपके साथ। तो आई होप गाइस इस बाइक पे जो भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं इस वीडियो में, जो भी मैंने बताया, आपको अच्छी लगी होगी। और जैसे कि मैंने बताया, प्रोडक्ट की लिंक और उनकी प्राइसिंग तो आपको पता चली जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो जब तक के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा मॉडिफिकेशन में। और जो भी क्वेरीज, अगर आपको कुछ पूछना हो कि प्रोडक्ट कौन सा अच्छा चाहिए, अगर आपको कोई क्वेरी हो किसी रिलेटेड, तो आप प्लीज़ डिस्कस करिए कमेंट में। और टिल देन, जय हिंद, जय भारत।